अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 6.3A, आज हम सॉल्व करेंगे 6.4A, जो कि बेसिकली पिछले सवालों की तरह ही है। हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है और उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ये सवाल जो है पिछले सवालों के मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल है, सबसे लेंदी सवाल है। तो इसमें आज हमारा थोड़ा टाइम लगेगा और फॉर्मेट बिल्कुल पिछले सवालों जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 6.4A। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ अ स्मॉल फिनिशिंग रिटेलर, बैलेंस ऑफ द ऑल एज ऑल द अकाउंट्स एंड देन एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 जनवरी 20x8। जिसमें यही बोला गया है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें जनवरी के मंथ की, स्मॉल फिनिशिंग रिटेलर नाम की एक कंपनी टाइप है, रिटेलर है वो, उसकी एक कंपनी है जिसके अकाउंट्स हमें जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 जनवरी का। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की हमें ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, यानी कि 30 जनवरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं 6.4A। तो चार अकाउंट, जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये चार अकाउंट सबसे बड़े होते हैं, तो आप ये पहले बना लिया करें, ना भी यूज़ हो तो फिर भी बना लिया करें, क्योंकि ये सबसे बड़े अकाउंट होते हैं और इनके टी अकाउंट थोड़े बड़े बनते हैं, और शुरू में ही लिखता हूँ मैं हमेशा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से शुरू करते हैं, स्टार्टेड इन बिजनेस विद 10,500 pound कैश। तो सबसे पहले वही ट्रांजेक्शन जो जिसमें वो बताते हैं कि हमने बिज़नेस किस तरह स्टार्ट किया, तो कैपिटल में पैसे इंक्रीज़ हुए हैं और कैश में पैसे इंक्रीज़ हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैश में इंक्रीज़ कर देता हूँ कैपिटल के नाम से 10,500 pounds। नीचे मैं यहाँ पर एक कैपिटल का बना लेता हूँ, और यहाँ पे भी मेरे पास जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो कैपिटल में जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट वाले क्रेडिट वाले साइड पे आता है 10,500 pound कैश। उसके बाद आ जाता है सेकंड ट्रांजेक्शन पे, 2 जनवरी को पुट 9,000 pound ऑफ द कैश इनटू अ बैंक अकाउंट। 9,000 जो कैश था हमारा वो निकाल के हमने बैंक अकाउंट में डाला है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आए हैं कैश की सूरत में 9,000 pound, और कैश के पास से हमारे पैसे गए हैं बैंक में 9,000 pound, सिंपल। उसके बाद 3 जनवरी, बाउट गुड्स फॉर कैश 550 pounds, गुड्स बाय किए हैं 550 pounds के। तो हमें पता है जब भी गुड्स बाय होते हैं तो वो परचेजिंग की बात हो रही होती है, तो यहाँ पे मैं परचेज़ का एक बना लेता हूँ, बल्कि परचेज़ का एक हमने बनाया हुआ है, मैंने बोला था ये अकाउंट बड़े होते हैं। इसके आगे आप गुड्स भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपको याद रहे कि हमेशा हम गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं परचेज और सेल्स। तो बाउट गुड्स फॉर कैश 550 pounds, तो जब भी परचेज होती है हमारे पास तो वो हमारी डेबिट वाली साइड पे आती है, कैश पे परचेज की है 550 pound, और कैश यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा परचेज के नाम से 550 pound। फोर्थ ट्रांजेक्शन को आते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन 4 जनवरी, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी डाय एफोर्ड एम स्मिथ जीलो। ये चार बंदों से हमने और परचेजिंग की है, लेकिन इस बार हमने जो है क्रेडिट पे परचेजिंग की, यानी कि अभी उनको हमने पैसे नहीं दिए हैं। तो फोर को टी ड्राई से हमने लिए हैं 800 pound का सामान, उसके बाद एफोर्ड से हमने डेट डाली नहीं, एफोर्ड से हमने 930 की परचेजिंग की है, और उसके बाद एम स्मिथ से हमने 160 pound की परचेजिंग की है, और उसके बाद ए टॉम से हमने 204 pound की परचेजिंग की है। और इनके मैं अलग अलग अकाउंट बना लेता हूँ क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर हैं, टी ड्राई एफ हुड एम स्मिथ ए टॉम, और इनकी मैं जो है अलग अलग लिख भी देता हूँ इधर, परचेजिंग परचेज 204, टी टाई की परचेज वैल्यू कितनी है 800, एफ फुट की 930, एम स्मिथ परचेज 160 pound। इसके बाद आ जाते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे, 5 जनवरी की, बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम बर्टन्स LTD 89 pounds। तो हमने यहाँ पे स्टेशनरी बाय की है यहाँ पे क्रेडिट पे, तो स्टेशनरी का पहले बना लेते हैं, ये परचेजिंग में नहीं आएगा क्योंकि हमारा गुड्स नहीं है स्टेशनरी, और बर्टन्स LTD। तो स्टेशनरी हमने बाय की है 5th को,
एलटीडी से कितने की? हमने 89 की आई गेस परचेजिंग की थी जी, 89। और यही सेम मैं जो है यहाँ पे क्रेडिट वाले साइट पे लिख दूंगा स्टेशनरी 89, क्योंकि बटन्स एलटीडी से हमने स्टेशनरी ली थी। इसके बाद आ जाते हैं 6 जनवरी को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू आर टोंग एल्फिश एम सिंह ए टोंग। तो इन सो हमने कुछ चीज़ें बेची हैं इस बार। तो इस बार हमने कुछ चीज़, यहाँ पे ए टोंग नहीं था, यहाँ पे जी लो था, मैंने ए टोंग लिख दिया। ए टोंग को तो हमने बेचा है, ठीक। तो इन चारों को हमने सेल्स की है, तो सेल्स की है क्रेडिट पे, तो ये डेप्टर है हमारे। तो जब भी हमारी सेल्स होती है वो क्रेडिट वाले साइट पे आती है, तो मैं इन चारों का नाम लिख लेता हूँ इनके अमाउंट के साथ। आर टॉम को हमने 170 पाउंड का सामान बेचा है, उसके बाद एल फिश को हमने 240 पाउंड का, उसके बाद हमारा एम सिंह को हमने 326 पाउंड, उसके बाद हमारा है ए टॉम, अब आया है ए टॉम 204। तो ए टॉम का हमने 204, और जी लो की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे गलत लिखी हुई है, 204 इसकी थी, 510 है जी लो की। ये बाद में जाके अभी हमारा मसला हो जाता अगर हम अभी नहीं देखते, नाम में ज़रा मिस्टेक हो गई है इधर। तो अब मैंने इनके चारों के अलग अलग अकाउंट बनाने, क्योंकि ये हमारे डेप्टर्स हैं। आर टॉम, एल फिश, एम सिंह, ए टॉम, और इनके डेप्टर वाले साइड पे मैं वैल्यू लिखूंगा, बिकॉज़ ये अभी हमें पे करेंगे, इन्होंने अभी हमें पे नहीं किए हैं, ये हमारे बेसिकली डेप्टर्स हैं। तो आर टॉम को हमने 170 पाउंड का सामान बेचा है, एल फिश को 240, एल फिश को 240, एम सिंह को हमने 326, और ए टॉम को 204। तो 6 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, यानी कि 6 जनवरी की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। 8 जनवरी पे आ जाते हैं, पे ड्रेन बाय चेक 220 पाउंड। तो चेक के ज़रिए पे किए हैं, तो यानी कि बैंक से डिडक्ट हुए होंगे। तो 8 तारीख को रेंट के नाम पर हमारे पैसे डिडक्ट हुए हैं, कितने? 220 पाउंड। तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, रेंट का मैं यहाँ पे एक अलग टी अकाउंट बना देता हूँ, और 8 को यहाँ पे बैंक के ज़रिए 220 पाउंड रेंट के नाम पे निकले थे। 10 जनवरी को आ जाते हैं, 10 जनवरी को अबाउट फिक्स्चर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चीफ्स एलटीडी 610 पाउंड। तो फिक्स्चर्स का एक टी अकाउंट बनेगा चीफ्स एलटीडी, क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, तो मैं इन दोनों का टी अकाउंट बना लेता हूँ, फिक्स्चर्स चीफ्स एलटीडी। तो फिक्स्चर्स हमने बाय किए हैं 10 को चीफ्स एलटीडी से 610 पाउंड के, और क्रेडिटर है तो क्रेडिट वाले साइड पे आएगा, फिक्स्चर्स बाय किए थे 610, जिसके पैसे अभी नहीं दिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, 11th को पेड सैलरीज इन कैश 790 पाउंड। तो सैलरीज पे की है हमने, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैश में से डिडक्ट होंगे सैलरीज के नाम पे, जो कि हमारी एक्सपेंस होती है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को देने होते हैं। और सैलरीज का मैं यहाँ पे एक बना लूँगा अकाउंट, टी अकाउंट, और यहाँ पर मैं 11 डेट डाल के कैश 790, सिंपल इज़ डैट। 14 जनवरी को रिटर्न गुड्स टू एफ होट एम स्मिथ। तो इनको हमने रिटर्न किए हैं कुछ गुड्स, यानी कि परचेज रिटर्न किया है, रिटर्न आउटवर्ड्स हुआ है इधर। तो यहाँ पर मैं एक और टी अकाउंट बना लेता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, रिटर्न परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो दो बंदों को हमने किए हैं, एफ फुट को और एम स्मिथ को, एफ फुट को 30, तो एफ फुट को 30, तो मैं यहाँ पे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ 14 को पी डॉट आर 30। तो एफ फुट को हमने 30 के परचेज रिटर्न कर ली है, पी डॉट आर मतलब परचेज रिटर्न। तो मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न वाले में भी इसको लिख देता हूँ एफ फुट 30, और
अगला नाम किसका था? आई गेस एम स्मिथ था। एम स्मिथ को 42 का हमने वापसी किया है। एम स्मिथ को 42 का हमने वापसी किया है सामान, तो एम स्मिथ वाले अकाउंट में भी इसको हम जो है सही कर लेते हैं, यानी कि बैलेंस कर लेते हैं। पी डॉट आर 42, ठीक है। तो इसी के बाद आ जाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी को बाउट वैन बाय चेक 6,500 पाउंड, तो चेक से जो बाई किए बैंक में से डिडक्ट होंगे। 15 को वैन के नाम पर 6,500 पाउंड डिडक्ट हुए हैं। वैन का एक टी अकाउंट बनेगा, वैन का मैंने एक टी अकाउंट बना दिया, और 16 को बैंक में से डिडक्ट हुए हैं 6,500 पाउंड, बल्कि 15 डेट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। 16 रिसीव लोन फ्रॉम बी बार्कले बाय चेक 2,000 पाउंड, तो हमें रिसीव्ड हुआ है चेक बी बार्कले की तरफ से 2,000 पाउंड का, और बी बार्कले का मैं एक टी अकाउंट बना लेता हूँ बिकॉज वो हमारा डेप्टर है और क्रेडिटर है। बी बार्कले ने हमें पैसे दिए हैं बैंक में 2,000 पाउंड। इसके बाद आ जाते हैं 18 को। गुड्स रिटर्न टू अस बाय आर्टोंग एम सिंह, तो आर्टोंग और एम सिंह ने हमें रिटर्न की है चीज़, तो सेल्स रिटर्न हुआ है, यानी कि रिटर्न इन्वर्स हुआ है, तो इसका भी मैं एक बना लेता हूँ टी अकाउंट, सेल्स रिटर्न रिटर्न इन्वर्स, ठीक है। तो अब हमारा 18 को आर्टोंग और एम सिंह, 18 को आर टोंग एम सिंह, इन दोनों ने हमें रिटर्न किया है, और आर टोंग ने 5, एम सिंह ने 20, ये इनकी वैल्यू है। और इनके अकाउंट में भी हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। आर टोंग का यहाँ पर अकाउंट कहीं बना हुआ होगा परचेजिंग में, ये रहा, और 18 को हुआ है ये सेल रिटर्न 5 का, और एम सिंह को सेल रिटर्न हुआ है हमारे को 20 पाउंड, तो ये मैंने 20 लिख दिया इधर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। इसकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 21 से कैश सेल्स 145 पाउंड, तो यहाँ पे कैश सेल्स हुई है 145 पाउंड की। तो सबसे पहले हमारे पास कैश इंक्रीज़ हुआ है, कुछ बेचा है तो उसके बदले पैसे आए हैं, सेल्स के पैसे आए 145, सेल्स में हमारे पास आ जाएगा ये 21, कैश पे सेल्स हुई है 145। उसके बाद आ जाते हैं 24 जनवरी को। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एल्फिश एटॉम आरप्लीड, तो इन तीन बंदों को हमने सेल्स की है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे सेल्स हुई है, तो हमारे ये डेप्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं सेल्स पे इनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ 24 डेट डाल के। सबसे पहले एल फिश को हमने 130 पाउंड की सेल्स की है, और उसके बाद ए टॉम को हमने 410 की सेल्स की है। उसके बाद है आर प्लीट, ये एक नया बंदा है, इसका टी अकाउंट अलग बनेगा, इनका पहले से क्रिएट नहीं होगा। तो अभी मैं इनके पर्सनल अकाउंट्स में भी जो है इनको लिख लेता हूँ। एल फिश की यहाँ पे सेल्स हुई है 24 को कितने की, 130। उसके बाद ए टॉम को भी यहाँ पे सेल्स हुई है 410 की, और आर प्लेट का मैं एक अलग बना लेता हूँ टी अकाउंट, जो कि हमारे पास नहीं बना हुआ। तो आर प्लीट को जो है हमने 158 की सेल्स की है 24 को, 158, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे 26 को। वी पेड द फॉलोइंग बाई चेक एफोर्ट एम स्मिथ, तो इनको हमने कुछ पैसे पे किए हैं एफोर्ट को और एम स्मिथ को, यानी कि वो हमारे क्रेडिटर होंगे। तो एफोर्ट को हमने 900 पे किए हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे 26, और बैंक के ज़रिए पे किए हैं 900, और एम स्मिथ को 118, और एम स्मिथ को बैंक के ज़रिए 118, और ये अमाउंट हमारे बैंक में से भी डिडक्ट होगी, तो मैं आपसे डिडक्ट कर लेता हूँ क्योंकि क्रेडिट वाला पार्ट हमने नहीं लिखा। और बंदे के नाम आ जाएंगे जिनके नाम पे हमने वो पैसे बैंक में से निकाले हैं,
जिनके लिए निकाले हैं या जिनके नाम से निकाले हैं उनको देने के लिए। तो 26 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद आ देते हैं 29 पे, रिसीव चेक्स फ्रॉम आर प्लीट एल्फिश 370 एंड 158। तो इन दो बंदों ने हमें चेक दिए हैं, ये हमारे बेसिकली डेप्टर्स थे जिनको हमने सामान बेचा था लेकिन पैसे नहीं दिए थे। एल फिश ने हमें 370 पे किए हैं 29 डेट को। एल फिश ने हमें बैंक में 370 पे किए हैं, ठीक है। उसके बाद आर प्लीट ने हमें बैंक के जरिए पे किए हैं 29 को 158। इनका खाता भी क्लियर हो गया है। इसके बाद 30 को आ जाते हैं। 30 की दो ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, पता नहीं इन्होंने दोनों 30 की लिखी हुई है या फिर एक मिसप्रिंटिंग हो सकती है, 31 हो सकता है। तो हम जैसा है उसको वैसी मान के चलते हैं, हम इसको 30 ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि 30 मिसप्लेस हो, ये इसकी जगह पर 31 लिखना चाह रहे हूँ नीचे वाली पे, क्योंकि दोनों एक जैसी लिखी हुई हैं। रिसीव द फर्दर लोन फ्रॉम बी बार्कले बाय कैश 500। तो हमारे पास कैश रिसीव हुआ है बी बार्कले की तरफ से 500, और बी बार्कले के क्रेडिटर में और वैल्यू में बढ़ा देता हूँ 30 को कैश 500। इसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन जो कि ऑलरेडी 30 की है, रिसीव 614 कैश फ्रॉम ए टॉम। तो कैश हमारे पास रिसीव्ड हुआ है ए टॉम की तरफ से, यानी कि उसने हमें लोन दिया है 614, और ए टॉम के अकाउंट में मैं ये लिख देता हूँ कि ए टॉम ने हमें पैसे दिए हैं 614, बल्कि ये हमारा डेप्टर था इसलिए इसने हमें पैसे दिए हैं 614। तो यानी उसका खाता क्लियर हुआ है 614, उसने हमें कैश के ज़रिए दिए हैं। तो सारी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गई है। अब हम निकालते हैं इनके जल्दी से क्लोजिंग, उसके बाद बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग बनाने के लिए सबसे पहला मेथड ये है कि आप दोनों साइड के टोटल निकाल लें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, दोनों साइड का टोटल निकाल लें, जो मैक्सिमम साइड का टोटल होगा मिनिमम वाली पे उसका क्लोजिंग जाएगा। 6500 900 प्लस 118, तो ये आ रहा है 7738। तो ग्रेटर साइड डेबिट वाली है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कितने की कमी आ रही है, इनमें से इसको माइनस करते हैं तो पता चल जाएगा 1462। तो 1462 हमारी अमाउंट कम है, बैलेंस सी बाई डी 1462। तो बैलेंस सी बाई डी यानी कि बैलेंस कैरीड डाउन, ये वो बैलेंस है जो हमें अगले महीने के लिए पूरा करना है, इसलिए हमने 31 डेट डाल के लिखा है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि अब वो 31 का महीना है, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, ये देखें कि 31 तक की आपको बनानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 31 लिख रहा हूँ। और अगले महीने में जब इसके अपोजिट साइड पर हम लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, बैलेंस बी बाई डी 1462। ये मैं आपको खाली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस या लेजर्स में लिखिएगा नहीं, ये जब आप अगले महीने के लेजर्स बनाएंगे तो आपको सबसे पहले ये लिखना होगा फर्स्ट डाल के डेट बिना ट्रांजेक्शन रीड किए, क्योंकि ये आपके पिछले महीने के बकाया हैं जो आपको पूरे करने हैं। उसके बाद कैश का क्लोजिंग निकाल लेते हैं, प्लस 145 प्लस 500 प्लस 614, दूसरे साइड का 9000 प्लस 550 प्लस 790। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कितने की कमी आ रही है, माइनस 1419 बैलेंस सी बाई डी 1419। तो परचेज और सेल्स का मैंने आपको बताया था, ये वो अकाउंट्स है जो हमेशा जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का हमारा अलग बनता है, तो ये तो जाते ही जाते हैं हमेशा, क्योंकि इनका एक साइड तो बिल्कुल खाली होता है, क्योंकि उनके हम अलग बनाते हैं हमेशा। 2950 2950, मैं इनको पूरा करना भूल गया, मैं इनको कर देता हूँ 9200 बैलेंस सी बाय डी 2950, इनका भी पूरा जाएगा 170 प्लस 240 प्लस 326 प्लस 204 प्लस 145 प्लस 130 प्लस 410 प्लस 158 1783 पूरा करने के लिए
बैलेंस सी बाई डी 1783। उसके बाद आ जाते हैं नीचे 10500, 10500 बैलेंस सी बाई डी 10500। और ये कैपिटल वाले भी हमें आ रहे हमेशा जाते हैं बिकॉज ड्राइंग का भी एक हम अलग बनाते हैं, तो ये कैपिटल वाले की भी दूसरी साइड हमेशा खाली होती है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस में हमेशा जाता ही जाता है। इनका अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, इनका हम नहीं निकालेंगे। 160 वन, इनका भी अकाउंट बिल्कुल क्लियर है। एम स्मिथ का जी लो का 510 का बकाया है जो कि हमें पूरा करना है। बैलेंस ही बाई डी 510, बैलेंस ही बाई डी 89 की स्टेशनरी, बैलेंस ही बाई डी 89, ये 170, ये भी 170, और इसका बैलेंस होगा बैलेंस सी बाई डी 165। ये है 370, ये है 240, 340, 370। इनका अकाउंट बिल्कुल क्लियर है और 326, 326। तो यहाँ पे पूरा करने के लिए बैलेंस सी बाई डी तो 326 में से 306 हो जाएगा, ये 614, 614। तो इनका अकाउंट भी बिल्कुल क्लियर है, बैलेंस ही बाई डी 220। इसके बाद आ जाते हैं फिक्स्चर्स पे, फिक्स्चर्स का टोटल है 610, 610। तो इनका क्लोजिंग होगा बैलेंस ही बाई डी 610। चीफ्स एलटीडी बैलेंस सी बाई डी 610, 790, 790 बैलेंस सी बाई डी 790। 30 + 40 = 70, 72 बैलेंस सी बाई डी 72, 6500, 6500 करने के लिए बैलेंस सी बाई डी 6500, 2500, 2500। यहाँ पे टोटल करने के लिए हमें क्लोजिंग चाहिए पूरा 2500 का, 25, 25। यहाँ पे भी पूरा बैलेंस चाहिए 25। इनका अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, सारी लेजर्स हमारे निकल चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो ये स्मॉल फिनिशिंग था, मैंने यहाँ पे फिशिंग लिख दिया था, मुझे लगा फिशिंग का रिटेलर है। तो सबसे पहले हम सारी ट्रायल बैलेंस में लेके चलते हैं। ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको एक रूल बताया था कि जिस साइड पे आपका क्लोजिंग निकला हुआ हो ट्रायल बैलेंस में, उसके अपोजिट साइड पे वैल्यू जाती है। बस ये आपको चीज़ याद रखनी है, अगर बैंक का क्लोजिंग क्रेडिट वाले साइड पे राइट हैंड साइड पे निकला हुआ है तो ये ट्रायल बैलेंस में उसके अपोजिट साइड पे यानी कि डेबिट वाले साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। या फिर आपको उनकी नेचर्स पता होनी चाहिए कि जैसे बैंक है वो हमें पता है डेबिट इन नेचर होता है, जब भी बढ़ेगा बैंक तो डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट इन नेचर होता है, जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा। तो इसी तरीके से तो सबसे पहले बैंक का हमारा है 1462, तो बैंक 1462। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो है आप ये बड़े बड़े अकाउंट्स लिखा करें शुरू में ट्रायल बैलेंस के, हमेशा ये अकाउंटिंग में जो है अच्छी चीज़ मानी जाती है कि मतलब आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज है। 1419 कैश, उसके बाद 2950 परचेज, 2950 परचेज सेल्स आएगा हमारे राइट हैंड साइड पे, सेल्स हुई है हमारी 1783, 1783। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा लाइन से चलते हैं फिर। अब हम कैपिटल 10500, कैपिटल भी हमारा यहाँ पर आएगा कैपिटल 10500।
कैपिटल के बराबर में है हमारे पास टी ड्राई, ट्री ड्राई की जाएगी 800, टी ड्राई 800। टी ड्राई के बाद है हमारे पास जी लो 510, जी लो 510। स्टेशनरी 89, डेब क्रेडिट वाले साइड पे निकला हुआ है तो डेबिट वाले साइड पे आएगा स्टेशनरी 89, स्टेशनरी 89। स्टेशनरी के बाद बटन्स एलटीडी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे। उसके बाद है हमारे पास आर्टोंग 165, डेप्टर है आर्टोंग। के बाद है हमारे पास एल फिश का अकाउंट क्लियर है एम सिंह 306। उसके बाद है हमारे पास ए टॉम का अकाउंट क्लियर है रेंट 220। उसके बाद है हमारे पास फिक्सचर 610, फिक्सचर 610 चीफ LTD 610 क्योंकि इन्हीं से ली थी हमने फिक्सचर्स। सैलरी 790, सैलरी 790। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न 72, परचेज रिटर्न 72। परचेज रिटर्न को आप आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कहीं पे अगर आपको अलग वर्ड दिखे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेल्स रिटर्न, लिख देता हूँ मैं पहले, इसको आप रिटर्न इन वर्ड्स बोलते हैं दूसरे अल्फाज में, इसकी वैल्यू है 25। ठीक है, उसके बाद वैन, वैन है 6500। ठीक है, वैन के बाद है बी बार्कले 2500, बी बार्कले 2500। बाकी बी बी आर प्लीट का हमारा अकाउंट क्लियर है। अब जल्दी से इसको टोटल करते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल आता है या नहीं। 1462 प्लस 1419 प्लस 2950 प्लस 89 प्लस 165 प्लस 306 प्लस 220 प्लस 610 प्लस 790 प्लस 25 प्लस 6500 प्लस। तो ये एक साइड का टोटल आ गया है। अब क्रेडिट वाले साइड का निकालते हैं 1783 प्लस 10500 प्लस 800 प्लस 510 प्लस 89 प्लस 610 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 2500। तो ये आ गया है 16864। तो ये हमारा इक्वल नहीं आया है, तो हमने जब यानी कीनन कहीं पे क्लोजिंग लोजिंग में हमने मिस्टेक की है। तो ऊपर चल पहले हम ज़रा इनका टोटल देख लेते हैं क्योंकि कभी कभार टोटल में भी गलती हो जाती है। 2500, 72, 610, 89, 510, 800, 10500, 1783। अब डेबिट वाले का चेक कर लेते हैं 6500, 25, 790, 610, 220, 306, 165, 89, 2965, 2950, 1419, 1462। तो यहाँ का टोटल सही है। अब हम ज़रा लेजर्स पे नज़र मार लेते हैं। सो बेसिकली ब्लेंडर यहाँ पे नज़र आ गए हैं। बैंक वाले साइड पे ये लिखा हुआ है 2000, ये लाइन के पीछे छुप गया था तो मैंने इसको 200 ले लिया था, तो ये 11000 होगा। अगली बारी से जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो कोशिश करूँगा गलती ना हो, मैं उसके रोज़ के साइज़ थोड़े बड़े कर दूँगा ताकि ये चीज़ें पूरी पूरी नज़र आएँ। कुछ चीज़ें जो है ना लाइन के पीछे छुप जाती हैं, जैसे कि 500 छुप रहा है, हो सकता है ये 5000 हो लेकिन नहीं ये 500 ही है। अगर ये 5000 होता तो मैं इसको भी 500 लिख लेता क्योंकि मैं ऑल्टो कैलकुलेट करता नहीं। या तो हम ये करेंगे अगली बार से
कॉलम वाइज बनाकर ऑटो कैलकुलेट कर दिया करेंगे ताकि वो खुद ही हमें अमाउंट बता दिया करे। और यहाँ पे दूसरी गलती जो मुझे मिली है वो ये है, 29 की ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है रिसीव चेक्स फ्रॉम आरप्लीट एल्फिश। आरप्लीट और एल्फिश ने हमें चेक्स दिए थे जो कि मैंने उनके अकाउंट में तो लिख दिया था, ये रहा आरप्लीट और एल्फिश का भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। लेकिन मैंने इसको बैंक वाले में नहीं लिखा, बैंक में भी तो पैसे आए थे, डेबिट वाला पहलू तो मैंने दिखाया ही नहीं उनका, तो ये भी एक गलती है। तो दो गलती थी इसलिए हमारा अकाउंट जो है आउट आ रहा है। आर प्लीट ने 158 और एल फिश ने 370 दिए थे। अब हम इनका क्लोजिंग निकालते हैं, तो 9000 प्लस 2000 प्लस 158 प्लस 370 यह आया 11528। और अब इस साइड का निकालते हैं, 220 प्लस 6500 प्लस 900 प्लस 118। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारा होगा क्लोजिंग 3719 हमारा क्लोजिंग है। थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी सो 3790। तो इस तरीके के कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं एक्सेल्स में, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इसी वजह से अगली बारी से हम इंशाल्लाह देखेंगे कुछ गलती ना हो। तो अब मैं जाके नीचे बैंक में से इसका बैलेंस सही कर लेता हूँ, जो कि अब क्लोजिंग बैलेंस निकला है 3790 3790। होपफुली अब हम इसको कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो ये आंसर बिल्कुल सही है, 3790। तो ये देखें ये आ गया है 16864। खाली एक इतनी सी गलती की वजह से, बल्कि दो गलतियों की वजह से ये आंसर हमारा अटक गया था। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगली बारी से मैं थोड़े से एक्सेल को और थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर कर लूँगा ताकि फिर ये ऐसी गलती ना हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। 6.5 आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, हम मैंने पहले डिमांड पे किसी की ये पहले अपलोड कर दिया था। तो अब हम डायरेक्ट बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो देखेंगे हमारा मे बी प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर ट्रायल बैलेंस का ही कंटिन्यू हो 7th चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मैं आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, अगर आपको कहीं कुछ स्टॉप करके देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम जो है थोड़े से और कोर्सेज कवर कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मैंने शुरू किया था लेकिन अभी वो बेसिकली स्टॉप कर दिया है। वो उसके हमारे कुछ रीजंस हैं कि वो सही से हो नहीं पा रहा है एक्सेस वगैरह में, तो वो वाइट बोर्ड पे ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके जो सवाल हैं कुछ उसमें जो मशीनें बनती हैं, स्टेट्स बनती हैं, डायग्राम्स, तो उसमें डायग्राम्स का बहुत खेल है, तो वो थ्रू एक्सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं देखता हूँ अगर कुछ ऐसे मुझे वेबसाइट मिली जिससे वो आसानी से हो सके तो मैं उसका भी लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दूँगा। खाली एक लेक्चर उसका अपलोड है अभी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।